सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरा नाम है शिवांग गोस्वामी और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल बिजू पहाड़ी ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से आज का हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गैस फिलहाल अभी जनेव का है दूसरा दिन वर्क है, क्योंकि हम जब से हमारे बाल कटे तो तब से दिन माना जाता है। तो आज है दूसरा दिन और आज भी हमको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। 3 दिन तक हमको खाना खुद बनाना पड़ता है और उसके बाद 3 दिन तक का 3 दिन के बाद हम मतलब धोती वोती पहन खोल के, मतलब जैसे नॉर्मल जैसे पैंट पहन रखा ना ऐसे पैंट पहन के खा सकते हैं, बट इस बीच हम धोती पहन के खाएंगे और मतलब जो भी रीति रिवाज होता है उसके साथ पूरा खाना पीना खाएंगे और उसके नियम कानून में चलेंगे। और अभी फ़िलहाल हम उठ चुके हैं, कब का ही उठ चुके थे, बट अभी हमने नहाया तक नहीं है, मुँह कुछ हाथ मुँह नहीं धोया और अभी एलोवेरा लगाया मुँह हाथ मुँह में। और मैंने सोचा कि थोड़ा भाई साहब ग्लो आएगा और थोड़ी डैंड्रफ हुई है तो उसके लिए भी बेहतर है। और अभी थोड़ा नहाते हैं एंड जो भी अपना पंडित जी ने बताया कि कैसे नहाते हैं, वो मतलब उस नहाने के भी अलग अलग नियम होते हैं तो उस प्रकार से नहाते हैं। और आइए चलो अभी नहाते हैं, फिलहाल उसके बाद हम खाना बनाएंगे और पूरी फैमिली के लिए भी बनाएंगे और खुद भी खाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे को और आपको दिखाते हैं। सो गाइस मैंने नहा धो लिया है और मैं अभी धोती वोती पहन लिया, देख सकते हैं ये रही मेरी धोती और ये अपना जनेब जो मैंने धारण कर रखी है। और फिलहाल अभी हम खाना बना रहे हैं और अभी मतलब हमने दाल वाल रख दिया है सब कुछ, जो कल हमने दाल बनाई थी सेम आज वही बनाई है। अरहर डाला है, अरहर डाला है और उसके साथ मटर डाला है और मांस डाला है और जितना भी सामग्री रहती है जैसे तेल हो गया, मिर्च हो गया, नमक हो गया, ये सब कुछ डाल दिया है। और फिलहाल अभी हमने गैस में रख दिया है, देख सकते हैं हमने गैस में रख दिया है। और अब हम एक साइड रखते हैं चावल, तो जिससे कि दोनों एक जल्दी जल्दी बन सके और जल्दी जल्दी हम खा सके, तो एक साइड चावल रखते हैं और दाल तो हमने रख दी है। तो अभी फिलहाल आपसे बाद में मिलते हैं हम। गाइस हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है और फर्स्ट ऑफ ऑल कुकर खोलते हैं। बस मेरे को कुकर खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और कुकर खोल के हमको क्या दिखता है, चावल बढ़िया बढ़िया खिले और दाल यहाँ पे, ये है कढ़ाई और ये है लोहे की कढ़ाई जिसमें खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। पहाड़ों में पुराने जमाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था इस कढ़ाई का, आजकल तो सिल्वर की बजाई हो रही है और एल्यूमिनियम की बढ़ाई हो रही है बजा ली है और मतलब बहुत ज़्यादा कढ़ाई है तो मतलब आजकल इसका यूज़ नहीं हो रहा है, बट हम लोग इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर खाना खाने के लिए। फिलहाल हमने गौ माता के लिए रख दिया है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत रख दिया है। और यहाँ पे नीचे है मम्मी के लिए और यहाँ पे मम्मी के खाने के बाद हम खाएंगे, फर्स्ट में मम्मी के मुँह में निवाला जाएगा उसके बाद ही हम खाना खाएंगे और मम्मी के लिए डाल दिया। तो यहाँ पे मूली वूली या खीरा देखते हैं वहाँ पे रखा है और उसके बाद रात काटते हैं और उसके बाद हम खाएंगे, तो आपसे बाद में मिलते हैं। तो वह फिलहाल अभी हम भी खाना खाते हैं, यहाँ देख सकते हैं सामने डालते हैं पानी यहाँ पे और फोन यहाँ पे और अभी हम भी खाना खाते हैं। तो पहले जो भी हमको काम करना है मतलब जैसे कि हाथ में पानी डाल के चारों ओर घुमाना है और इसके बाद ही खाना है। और मम्मी ने भी वहाँ पे खा रही है अकेले अकेले और अभी हम यहाँ पे खाते हैं अकेले अकेले, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो फिलहाल खाना पीना खा चुके हैं और बाहर आ गए हैं और यहाँ देख सकते हैं मौसम का बुरा हाल हो रखा है, देख सकते हैं अभी बज गए हैं 11:30 और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी अच्छी तरह बाहर भी नहीं बजा है और मौसम का 12 बज रखा है, देख सकते हैं मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, लगता है आज बारिश आने वाली है। और नीचे शक्ति साइड को आज एक और जनेव है तन्नू भाई का, तो हम तो जा नहीं सकते तो मम्मी लोग जाएंगे शाम को। एंड आज शायद मेहरा संगीत है और बारिश ऐसी हो रखी है तो लगभग मेहरा संगीत होना नामुमकिन है, और अगर बारिश ना हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और मौसम का तो कुछ ऐसा ही हाल है। और अभी हम पैंट वेंट पहनते हैं और नीचे कमरे में चलते हैं।
फिलहाल अभी अभी मैंने दो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एक हेडफोन एंड यहाँ पे है एक एडेप्टर है जिससे हम जो ये माइक है हमारा ये यूज़ हो सके। ये माइक हमारा नहीं चाचा का, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यहाँ से वायर की है और एक इसमें अटैच है, इसमें एक माइक अटैच है एंड एक क्या अटैच है क्या कहते हैं ये माइक अटैच है, एक हेडफोन अटैच है। और जो भी मैं यहाँ पे माइक में गाना गाऊंगा वो सारा हेडफोन में सुनाई देगा एंड जो भी अपना बीट है वोकल्स है वो सब कुछ हमको क्लियर सुनाई देगा। और इससे जैसे हम प्रोफेशनल गा सकते हैं, प्रोफेशनल सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ही चीज़ें होती है इससे। और मतलब इसी चीज़ के लिए मैंने मंगाया था और आज आ चुका है। और अभी 3-4 दिन बाद मेरे DSLR के लिए भी एक चीज़ आने वाली है, 2 चीज़ आने वाली है सॉरी, और देखते हैं क्या क्या आती है। और आप देखते रहिए ऐसे ब्लॉग को और हम अपना माइक का थोड़ी देर टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस अभी तुषार भाई से हमारी बात हो चुकी है और हम क्या करने वाले हैं अभी म्यूज़िक वीडियो शूट करने वाले हैं, बिकॉज मैं जो ये माइक वाइक ला रखा हूँ ये सामने है जो मैं इसका टेस्ट करना चाहता हूँ। और तुषार भाई ने एक गाना लिख रखा है और उसका पूरा मिक्सिंग करके मस्त तरीके से हम गाना जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाना हमारा शूट हो जाए अच्छी तरह और उसके बाद हम उसमें मिक्सिंग करेंगे और चीज़ें करेंगे, एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी गाने का सब कुछ होगा। बस अभी तुषार भाई का वेट करते हैं, देन आपको दिखाते हैं कि कैसे गाते हैं तुषार भाई भी अपना गाना। तो लेट्स गेन। झूठ है तेरा प्यार सच्चा ही नहीं, मुझे लग ही नहीं कोई। तो गाइस तुषार भाई चले गए हैं और तुषार भाई जाते ही मैंने बोल दिया भाई तेरी बस की तो नहीं है, क्योंकि भाई तुषार भाई ने करीबन 10 से 15 टेक लिए गाने के, वो भी ऑफ बीट गा रहे थे। मतलब जैसे गाना चल रहा है ला 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 ला, वो अपना ही अलग धुन में गा रहे हैं। मतलब गाना तो मैं चला दे रहा हूँ बट अपना धुन में अलग इंसान है यार, मतलब गजब है। और फिर मैंने कहा यार जाओ यार तुम्हारे बस की नहीं है और अपने घर को चले गया चुपचाप से। और फोटो वोटो मांग रहा था, मैंने कहा भाई अभी नहीं दूंगा एंड पैसे दे गया है कुछ थोड़े बहुत रुपए दे के गया है और मैंने कह रहा बाद में दूंगा यार, फोटो मेरे पास थी ना उसकी और मैंने कहा बाद में दूंगा, अब बाद में ही आएगा। और अभी मतलब पूरा ये वाला माइक का सेटअप जो करना है मेरे को अभी करने का है, थोड़ा गंदा हो चुका है तो जल्दी से करते हैं और अभी बाद में आपसे मिलते हैं। फिलहाल अभी हो चुका है शाम, मतलब शाम क्या रात बज चुका है, 10 बज चुके हैं और आधी रात हो चुकी है और अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी मैंने खाना आना कुछ नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लग रही है एंड कोक थी मेरे पास मैंने वही पी ली। तो आपसे मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि जय उत्तराखंड। और ऐसे ही ब्लॉग को हमारे इन्जॉय करते रहिए, तब तक ले बाय।